वी आर नॉट लाइव गाइस, वी आर नॉट लाइव, वी आर मेकिंग अ व्लॉग आफ्टर ऑलमोस्ट वन ईयर. कि दिस टाइम आई विल बी कवर ऑलमोस्ट ऑल टूरिस्ट प्लेसेस फ्रॉम द मेघालय एंड दिस टाइम आई एम नॉट गोइंग एज अ राइडर. ओके, मैं जा रहा हूँ एज ए गाइड फ्रॉम टीजी ट्रेवल्स. दिस इज अ ट्रेवल एजेंसी एक्चुअली. सो पूरा का पूरा ट्रिप मेरा उनके तरफ से ही स्पॉन्सर्ड है. यू कैन चेक देयर वेबसाइट फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन. तो आप लोगों के भी अगर ऐसे ट्रिप्स वगैरह प्लान करने हैं तो यू कैन चेक आउट देयर वेबसाइट. ओके, बहुत ही ज्यादा लेट हो रहा है बिकॉज मुझे पहुंचना है जालुकबारी. लेट्स गो. तो मेरा लुक्स देखने जाएंगे तो हंसेंगे बिकॉज मेरे पास तीन तीन बड़े बड़े बैग्स हैं. सो प्लान ये है कि सबसे पहले हमारे पास अलग अलग तीन चार ग्रुप्स हैं जिसको हमें पहले होटल से उठाने हैं एंड उसके बाद उनको एयरपोर्ट से भी पिकअप करना है. देन हम लोग सब लोग एक साथ में निकलेंगे शिलोंग के लिए. ओके, हम लोग जा रहे हैं भूपेन हजारिका पार्क की तरफ क्योंकि हमारा जो ट्रैवलर है वो वहीं पे आने वाला है. ड्राइवर भैया बोल रहे हैं कि ऑलरेडी वो आ चुके हैं, वो आगे वेट कर रहे हैं. भाई ये जालुकबारी के ट्रैफिक पुलिस के वजह से यहाँ पे गाड़ियाँ रोकने के लिए ऑलमोस्ट रोकने ही नहीं देते. सो यहाँ से भागते भागते बहुत ज़्यादा आगे आना पड़ा. कि जो हमारा एक ग्रुप बेंगलोर से आ रहा था उनका फ्लाइट ऑलरेडी डिले हो चुका है एंड दे विल बी ऑन 1 PM. सो जो ऑलरेडी 11 बजे यहाँ पे होटल चेकआउट करके यहाँ पे बैठे हुए हैं, हम लोग उनको पिकअप करते हैं एंड देन हम लोग निकलेंगे एयरपोर्ट की तरफ. क्विक वॉश के बाद हम लोग निकल चुके हैं एयरपोर्ट की तरफ. डू नो हिंदी? लिटिल बिट. नो हिंदी, ओनली इंग्लिश. ओनली इंग्लिश, ओके. इट्स टेरिबल, राइट? ओके, माय इंग्लिश इज नॉट दैट गुड. सो ओके, स्टे देयर आवर फर्स्ट ग्रुप. हेलो, से हाय टू द कैमरा. हेलो, ओके, लेट्स गो. या थैंक यू. That's a GoPro for the vlogging. Nice. We are vlogging the whole trip for you. So we are done for the first group and we are going to the airport now. And वहाँ से next group उठाते हैं, जहाँ पे उसके बाद हम लोग सीधा निकलेंगे शिलोंग के लिए. Yes, I'm Vivi. Hi. Hi. Where are the other people? I have not met them. Come to the vehicle first. Hi. Yes. Hi. Let's go. सो फाइनली हम लोग निकल चुके हैं एयरपोर्ट से आफ्टर टेकिंग ऑल द टूरिस्ट एंड नाउ सीधा जा रहे हैं हम लोग शिलोंग. डार्क नहीं होता है देन वी विल वेट फॉर मियम लेक. अगर नहीं होता है देन रिटर्न आते वक्त हम लोग कर लेंगे. हमें जो रोड पे टर्न है ना, मेरे जैसे जिसका मोशन सिकनेस है उस बंदे के लिए ये रोड है ही नहीं. बिकॉज मैं बाइक में ज़्यादा ट्रैवल करता हूँ सो दिस रोड इज़ वेरी टफ फॉर मी. इसीलिए मैं आगे बैठा हूँ ताकि मेरे को वो दिक्कत ना हो. तो हमने यहाँ पे लिया है एक स्मॉल फ्रेशन अप ब्रेक. तो ऑब्वियसली हमने खाना नहीं खाया था, ड्राइवर भैया और मैंने, प्रदीप भैया और मैंने, तो इसलिए हमने यहाँ पे एक छोटा सा स्टॉप लिया है ऑन दिस प्लेस. इट्स कॉल्ड जीवा. सो यहाँ पे जल्दी से ख़त्म करके हम लोगों का प्लान था कि हम लोग उमियाम लेक में एक स्टॉप लेंगे, लेकिन उमियाम लेक में स्टॉप नहीं ले पाएंगे क्योंकि ऑलरेडी डार्क हो चुका है एंड वहाँ पे अगर स्टॉप लेते हैं तो हमारा रुकने का उधर कोई फ़ायदा नहीं होगा. तो हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं, हमारा फर्स्ट स्टॉप कंप्लीट एंड यहाँ अब और नो स्टॉप, सीधा हम शिलोंग पहुँचेंगे. सो
फाइनली पहुंच चुके हैं। अभी दो लोग तो ऑलरेडी शायद एक रूम के लिए आ चुके हैं, और बाकी और आई थिंक टोटल सिक्स थे तो पांच होंगे। और शायद सबको सेटल करवाने के बाद हम आ चुके हैं अपने रूम में। ये है अपना रूम, एकदम साफ सुथरा। देखिए यहाँ पे दो बिस्तर है, पता नहीं और एक किसके लिए होगा। एक तो अकेले मेरे लिए ही है, बाकी दूसरे का पता नहीं। दिस इज द बाथरूम, साफ बाथरूम। सो अभी हम लोग थोड़ा फ्रेशन अप हो जाते हैं। फ्रेशन अप होने के बाद हम लोग सीधा निकलेंगे उसके लिए पुलिस बाजार में, थोड़ा टहल वहलने घूमने के लिए निकलेंगे। बहुत ही खूबसूरत जगह है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत जगह। तो एज ऑलवेज फिर से हमारा GoPro का चार्जर ख़त्म। चार्ज है एक्चुअली, लेकिन बार बार शटिंग ऑफ हो रहा है। सो अभी हम लोगों ने नॉर्मल जस्ट, मैंने कुछ ट्राई नहीं किया स्ट्रीट फूड उतना, मतलब खास नहीं लगा क्योंकि ऑलरेडी इतने ज़्यादा तेल वगैरह मैंने छोड़ चुका हूँ ऑलरेडी, तो इसीलिए हम लोग खा नहीं रहे थे। तो अभी हम लोग वापस होटल जा रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी लेट हो चुका है, मैक्सिमम अच्छे वाले रेस्टोरेंट बंद हो चुके हैं। एंड सो थोड़ा बहुत मोमो वगैरह खाया मैंने और कुछ नहीं खाया। तो एंड ये फिर से चार्ज भाई 67% दिखा रहा है, लेकिन फिर से काम करना बंद कर दिया। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, ठीक है। तो कल हमारा होने वाला है डाउकी में, दो वाटरफॉल्स कवर करेंगे एंड साथ में हम लोग एक छोटा सा ट्रैक भी होगा। एंड अगर रात को डाउकी पहुँचे तो हम तो बोट जल्दी पहुँच गए तो हम लोग बोट राइडिंग भी करेंगे, और अगर बोट राइडिंग नहीं हुआ देन हम लोग करेंगे रात को कैंपिंग, जो बॉनफायर के साथ फुल मस्ती करेंगे, जो हम लोग पहले भी ब्लॉग में डाल चुके हैं ऑलरेडी। सो मिलते हैं, बाय बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स।